चार स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक साथ सभी बल्ब जला सकते हैं और एक साथ बंद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए हैं 5 टू वे स्विच, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। सभी स्विच में 3 टर्मिनल होंगे, तो इनको पहले हम सीरियल बाय सीरियल रख लेंगे, फिर उसके बाद हम वायरिंग करेंगे इसकी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ हमने एक वायर लिया और टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में इसे लगा दिया। फिर इसी तरीके से हमने दूसरी वायर ली और उसे भी हमने बीच वाले टर्मिनल में स्विच के लगा दिया। और फिर इसके बाद हमने तीसरी वायर भी इसी तरीके से इसमें लगा देंगे। हमने यहाँ पे 3 स्विच लगा लिए हैं, 3 वायर लगा लिए हैं। इसके बाद हम एक वायर और लेंगे और चौथे वाले स्विच में बीच वाले टर्मिनल में इसे भी लगा देंगे। और जो हमारा 5वां स्विच होगा उसे हम भी नहीं लगाएंगे उसमें कुछ। उसके बाद हमने एक वायर ली, उसको छील लिया, उसके बाद हम सभी स्विच को आपस में एक साइड से लूप कर देंगे। दोस्तों इस तरीके की सर्किट को हम जीने की वायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और गोडाउन की वायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे हमें वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसके आगे भी हम वीडियो कुछ अच्छी तरीके से और बना पाएंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी वायर को पहले से हमने ये सब बना के रखा था, छील के रख ली थी वायर, कुछ निकाल लिया था और फिर जिससे हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये अभी एक सर्किट है। उसके बाद जब आप काम करोगे तो इसको विस्तार से इसको काम करोगे, तो इसी तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से जीने की वायरिंग या गोडाउन की वायरिंग करनी होगी। इस तरीके की वायरिंग घर में बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ से बंद करना, वहाँ से चालू करना, वहाँ से चालू करना, यहाँ से बंद करना, सारे इस टाइप की वायरिंग इसी तरीके के कनेक्शन से टू वे से ही बनते हैं। तो दोस्तों इसको अगर समझ लेंगे तो आगे आपको बहुत आसान होगा। तो हमने ये यहाँ पे पहले से हमने बना के रखे हुए थे ये 4 होल्डर, जिनमें हमें पहले से जो ब्लैक वाली वायर दिख रही है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमने कॉमन रखा है। बाकी ये जो हमने वायर निकाली थी स्विच से बीच वाले टर्मिनल से, वो हमने होल्डर के लिए निकाली थी। तो सीरियल बाय सीरियल हम होल्डर को एक टर्मिनल पर लगाएंगे, एक टर्मिनल पर हमारा न्यूट्रल लगा हुआ है, दूसरे टर्मिनल पर हम इसकी हाफ लगाएंगे जो हमने स्विच से निकाली थी बीच वाले टर्मिनल से। तो अब ये हमने सभी थोड़ा वीडियो हमने फास्ट किया है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये हमने सारी वायर को लगा लिया है, ये इस तरीके से हमने सभी वायर को लगा लिया है। खाली ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारा कॉमन है, ये देखो यहाँ से लूप करके यहाँ इसमें सभी होल्डर में लूप कर दिया हमने। ये हमने इधर मेन लाइन के लिए, अभी हमने एक वायर ओली है, हम मेन लाइन लेंगे जो फेस वायर होगी, और ये जो टर्मिनल हमारा इधर खाली था उसमें हम बीच वाले ही टर्मिनल पे इसे लगा देंगे। अब हमारे पास कोई टर्मिनल खाली नहीं है, पूरी हमारी वायरिंग कंप्लीट है। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो इस तरीके से आप लोग भी आगे जो विस्तार काम करेंगे तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे सभी को एक एक बल्ब की ज़रूरत है, तो बल्ब लगा देते हैं सभी होल्डर में, चारों में। तो इस सर्किट में 5 स्विच और 4 होल्डर की ज़रूरत है। तो हमें अगर किसी जीने पे 4 बल्ब जलाने हैं, एक साथ जलाने हैं, एक साथ बुझाने हैं, एक एक करके जलाना है, तो सब इसी तरीके की सर्किट से आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो कैसा लगा? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।